All the rules and regulations you have to keep in mind. Keep your video on. Whenever you have any question, you have to raise your finger. जब भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आपको अपनी राइट हैंड की फिंगर रेज अप करनी है, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है. ओके सर, मैंने कंपास ही लाया तो लेके आऊं, गलती से भूल गया तो लेके आऊं गलती से. गो गो. चैप्टर नंबर टू पेज नंबर 16, टेक आउट फास्ट. पेज नंबर 16, दिस वन. पार्थ पटेल. यस सर. रूल्स पता नहीं आपको म्यूट करने का. अगेन आई हैव टू गिव द सेम इंस्ट्रक्शन. बार बार मुझे वही आदेश देना पड़ेगा कि ये करो वो करो. कल तो मैंने पूरा लेक्चर बताया ये सब. म्यूट रहना है, कोई क्वेश्चन हो तो हाथ ऊंचा करना है, ठीक है? और कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछना मुझे. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. पेज नंबर 16, पेज नंबर 1616. अपनी अपनी उंगली रखना उस पे. मैं किसी भी बच्चे को कह सकता हूं पढ़ने के लिए. ओके, सिक्स स्ट्रेट. हाँ, सीधा बैठना है. ओके, दिस पार्ट वी हैव कंप्लीटेड. ये पार्ट हमने कर लिया था. चलो वापिस देख लेते हैं शुरू से, कोई बात नहीं. कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल्स मेंशन इन द लिस्ट ले एग्स. फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ दिस एनिमल्स इन द ग्रीन बॉक्स. विच ऑफ द एनिमल्स इन द लिस्ट गिव बर्थ टू बेबीज. राइट देयर नेम इन द रेड बॉक्स. रेड बॉक्स में आपको उस एनिमल्स के नाम लिखने हैं कि जो बेबीज को बर्थ देते हैं, और ग्रीन बॉक्स में ऐसे एनिमल्स के नाम लिखने हैं कि जो एनिमल एग देते हैं, ठीक है? तो आई विल रिपीट द नेम्स. मैं नाम्स बोलता हूँ कि जो जो एनिमल बर्थ देता है बेबीज को, जैसे कि डियर, जिराफ, कैट, डॉग, बफेलो, लायन, टाइगर. ओके, और जो एनिमल एग देते हैं वैसे के नाम बताओ. क्रो, पैरट, लिजर्ड, हैन, पीकॉक, फिश. ऑल दिस एनिमल गिव एग्स. तो रेड बॉक्स में, ये जो रेड बॉक्स है उसमें आपको ऐसे एनिमल्स के नाम लिखने हैं कि जो एग देते हैं, और रेड बॉक्स में आपको ऐसे एनिमल्स के नाम लिखने हैं कि जो बेबीज देते हैं. इज दैट क्लियर? क्योंकि ये सब हमने पहले पढ़ लिया था. देखो ये पेज नंबर 1515 में पहले हमने डिस्कस कर लिया था, और आपने मुझे अच्छी तरह आंसर भी दिए थे कि कौन सा एनिमल एग देते हैं और कौन सा एनिमल बर्थ बेबीज देते हैं. ओके, इज दैट क्लियर? चलो आगे देखते हैं. देखो यू कैन सी द पिक्चर हियर. ओके, you can see small puppies in the picture. Now look again at the table on the previous page.
draw line under the names of animals whose names are in the green box. Put a circle around the names of those animals whose names are in the red box. So, what did you notice? Those animals whose ears you can see have hair on their body, this animal gives birth to young ones. Those animals that do not have ears outside and do not have hair on their body, this animal lay eggs. Okay, very very important. ध्यान से सुना मेरी बात में क्या करो। जिस एनिमल्स के आपको ईयर दिखाई दे, जिस एनिमल के आपको ईयर्स दिखाई दे और उसकी बॉडी पे आपको हेयर नजर आए, वैसे एनिमल हमेशा बेबीज रिप्रोड्यूस करता है। आई रिपीट अगेन, जिस एनिमल के आपको ईयर दिखाई दे, कोई सा भी एनिमल आप देख लो, जिसके आपको कान दिखाई दे और उसकी बॉडी पे आपको हेयर नजर आए, वैसे एनिमल बेबीज देते हैं। अब उसका उल्टा कर लो कि जिस एनिमल्स के आपको ईयर्स नहीं दिखाई दे, कान दिखाई नहीं देते और बॉडी पे बाल नहीं होते, हेयर नहीं होते, वैसे एनिमल हमेशा एग देंगे। इज दैट क्लियर? यस तक्षक। यस सर। यस सर। सर आपने जो ये डिस्कस कराया था उस वक्त है ना, हम लोग कई बार गए थे, उसी लिए मैंने आधा लिखा और आधा नहीं लिखा सर। तो मैं पीडीएफ भेजूंगा, उसमें से आप देख लेना बेटा, ठीक है? ओके सर। समझ में आया मैंने क्या बोला कि जो एनिमल के ईयर दिखाई देते हैं और बॉडी पे हेयर होते हैं, वैसे एनिमल हमेशा क्या देते हैं? बोलो बोलो बोलो। बेबीज। वेरी नाइस। बेबीज। और जो एनिमल के ईयर्स नहीं दिखाई देते, उसका मतलब ये नहीं कि नहीं होते ईयर्स, ईयर्स तो होते ही है, पर वो हमें दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं, ठीक है? और बॉडी पे हेयर नहीं होते, वैसे एनिमल हमेशा एग देते। म्यूट योरसेल्फ एवरीवन, म्यूट कर लो बेटा, डिस्टर्बेंस हो रहा है, म्यूट करो। देखो मैं अभी है ना 5 मिनट के बाद मैं अटेंडेंस लूंगा, 5 मिनट 10 मिनट के बाद मैं अटेंडेंस लूंगा, जो बच्चा एब्सेंट है ना उसका भी मुझे नाम भेजना पड़ेगा ग्रुप में, डेली में ऐसा ही करूंगा। देखो कोई कोई बच्चे तो अभी आ रहे हैं, कितना टाइम चला गया और अभी ज्वाइन कर रहे हैं, देखो दिस इज नॉट गुड। Yesterday I had given all the instruction to you कि टाइम पे ही ज्वाइन करना क्लास, मैंने कल बता दिया और आज तो आप सब कुछ भूल गए। फिर आप पूछोगे मुझे कि सर कहाँ से पढ़ाया, कौन सा पेज नंबर है, उसके वजह से दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब हो सकता, ठीक है? मैं वीडियो तो भेज दूंगा ग्रुप में, देख लेना। जो बच्चा लेट ज्वाइन हुआ है, जिस बच्चे ने लेट ज्वाइन किया है, उस बच्चे को वीडियो देख लेना है। यज्ञ सोनी वीडियो सेल, यज्ञ सोनी वीडियो सेल, यज्ञ सोनी म्यूट करो अपने आप। ओके okay.
ओके, तो मुझे लिखने की जरूरत है तो मैं लिख देता हूँ एक बार ताकि आपको याद रहे, ठीक है? चलो क्या लिखा है? Gives babies. If animals ears are seen, यदि animals के ears आपको दिखाई देते हैं, यदि animals के ears आपको दिखाई देते हैं, वैसे animal हमेशा babies बन देते हैं. Okay? Lays egg. Lays eggs. जिस animal के ear आपको नहीं दिखाई दे, इफ एनिमल्स ईयर्स आर नॉट विजिबल और सीन, वैसे एनिमल हमेशा क्या देंगे? एक्स देंगे. इज दैट क्लियर? यस सर. Yes, sir. Yes. ठीक है, तो ये आपको मतलब ये तो वैसे ही मैंने लिखा है, आपको लिखना तो लिख सकते हो, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं है. If animals ears are seen, give babies. If animal ears are not seen, lays egg. Okay? चलो आगे बढ़ते हैं. पेज नंबर 1717, पेज नंबर 1717, एक मिनट में अटेंडेंस ले लेता हूँ, फटाफट अटेंडेंस ले रहा हूँ मैं, अब ऐसे ही रहना, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ. कौन से बच्चे प्रेजेंट है ना, उसकी अटेंडेंस ले रहा हूँ. अटेंडेंस में ले ली, आप सबकी अटेंडेंस हो गई, आप सबकी अटेंडेंस मैंने ले ली, दिखाओ. चलो चलो आगे बढ़ते बेटा. पेज नंबर 1717, क्वेश्चंस आर देयर नाउ. कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर आपको मतलब आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो सिर्फ सुनना है, और जब मैं पीडीएफ भेजू तो उसमें से आपको मतलब उस देख लेना एक बार. चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हैव यू सीन, उंगली रखना बेटा, सब लोग उंगली रखो, जहां मैं पढ़ रहा हूं वहां पे उंगली रखना. मैं किसी भी बच्चों को कह सकता हूं पढ़ने के लिए. पेज नंबर 1717, हैव यू सीन एनिमल्स अराउंड योर हाउस और स्कूल That have small babies. Write their names in your notebook. क्या कहा है? क्या आपने ऐसे एनिमल देखे आपके घर के या स्कूल के आसपास जिसके स्मॉल बेबीज हो? हाँ, देखा है. तो उसका नाम जैसे कि डॉग, कैट, ये लिख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, Have you ever kept a pet? Does anyone You know, keep a pet. क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है, पेट है? क्या आप किसी को जानते हो कि जिसके पास पेट हो? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन,
यज्ञा सोनी म्यूट ऑफ, म्यूट करो अपने आप। कोई क्वेश्चन है देन रेज योर फिंगर। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप अपना हाथ ऊंचा करो। सर पेज नंबर मैं वापस कह देता हूं, यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हाथ ऊंचा करोगे तो मैं आपको आंसर दूंगा। आप म्यूट करो यज्ञा सोनी। बस थैंक यू। फर्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल इज इट, मतलब फाइंड आउट और मोर अबाउट द पेट, पेट के बारे में है। यदि आपके पास पेट है तो कौन सा पेट है तो आप लिख सकते हो डॉग कैट व्हाट एवर इट इज। ओके सेकंड क्वेश्चन, डज इट हैव अ नेम, व्हाट इज इट, क्या उसका कुछ नाम है, क्या उसका कुछ नाम है, यदि उसका नाम रखा हो तो उसका नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर थ्री, हु गेव इट दिस नेम, जो नाम दिया है वो नाम किसने दिया है इसका। ठीक है, आपने देता तो आप लिख सकते हो myself। यदि आपके पापा ने नाम रखा हो उस पेट का तो आप लिख सकते हो माय फादर गेव नेम। मम्मी ने दिया हो तो लिख सकते हो मेरी मम्मी ने नाम दिया है। What does it like to eat? उसको क्या खाना पसंद है, उसको क्या खाना पसंद है तो आप लिख सकते हो इट लाइक टू ईट राइस ब्रेड बिस्किट्स। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स अ डे इज इट गिवन अ फूड, मतलब उसको दिन में आप कितनी बार खाना देते हो, वन टाइम टू टाइम। ठीक है, वही पेज नंबर 1717। ओके म्यूट योर सेल्फ बनी, बनी म्यूट करो अपने आप। पेज नंबर 1717 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज इट स्लीप, फॉर हाउ लॉन्ग डज इट स्लीप, ठीक है, तो कितने बजे सोता है, कितने घंटे तक सोता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं। इज देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल, हाउ, मतलब क्या आप उसको किस तरह से उसको उसका ध्यान रखते हो। डज इट गेट एंग्री व्हेन, हाउ डज यू नो इट इज एंग्री, क्या वो पेट कभी गुस्से में होता है। ठीक है, और गुस्से में होता है तो आपको कैसे पता चलता है कि वो गुस्से में है। टर्न द पेज, ओके टिल पेज नंबर 1717। पेज नंबर 1717 तक हमने कर लिया है, पेज नंबर 1818 से हम कल करेंगे। पेज नंबर 1818 से हम कल करेंगे, आज हम सिर्फ पेज नंबर 1717 तक। ओके, एनी क्वेश्चन देन प्लीज टेल मी।